ये पार्ट टू है गरबा फेस्टिवल वाला पैराग्राफ का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं हर दिन इस त्योहार का आनंद लेती हूँ, एंड मतलब और आई एम एंजॉय एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन, दिस फेस्टिवल मतलब यह त्योहार को, तो यहाँ पे ट्रांसलेट होगा एंड आई एम एंजॉय एवरी डे दिस फेस्टिवल। आज मैं गरबा ड्रेस और ज्वेलरी, रंगीन लकड़ी की छड़ें खरीदूंगी। आज मतलब टुडे खरीदूंगी है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे। परचेस मतलब खरीदना होता है। गरबा ड्रेस, गरबा ड्रेस में हम मल्टीपल चनिया चोली ही पहनते हैं, तो ये लिखा हुआ है मल्टीपल कलर चनिया चोली ड्रेस, ये एक ऑप्शन है, आप ये भी कह सकते हैं टुडे आई विल परचेस मल्टीपल चनिया चोली ड्रेस, या फिर ये भी कह सकते हैं टुडे आई विल परचेस गरबा ड्रेस एंड मतलब और ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी कलरफुल, ये वुडन स्टिक जो डांडिया गरबा के लिए यूज करते हैं, जो स्टिक लकड़ी उसी के लिए ये यूज किया गया है, कलरफुल वुडन स्टिक। गरबा आरती से पहले किया जाता है, जबकि डांडिया आरती के बाद किया जाता है, हम सभी को पता है। तो ये लिखा हुआ है गरबा इज परफॉर्म्ड बिफोर मतलब कि पहले, वर्शिप मतलब पूजा। यहाँ पे जो रिचुअल लिखा है इसका जो मतलब होता है रस्म या रिवाज दोनों होता है, या अनुष्ठान भी। यहाँ पे वर्शिपिंग रिचुअल लिखा है, इसका मतलब होता है पूजा अनुष्ठान। वर्शिपिंग रिचुअल का मतलब पूजा अनुष्ठान। गरबा इज परफॉर्म्ड बिफोर वर्शिप मतलब कि गरबा आरती से पहले किया जाता है, जबकि मतलब वाइल डांडिया आरती के बाद किया जाता है, इसलिए वाइल डांडिया इज परफॉर्म आफ्टर दी वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा या फिर आरती। मैं अपनी माँ के साथ गरबा नृत्य करूंगी और मैं अपने दोस्तों के साथ डांडिया डांस करूंगी। मैं मतलब आई करूंगी, इसलिए यहाँ पे विल यूज किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। डांस मतलब नृत्य करना, विथ मतलब साथ में, माय मॉम मतलब मैं अपनी माँ के साथ, एंड मतलब और विथ माई फ्रेंड मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे ट्रांसलेट होगा मैं अपनी माँ के साथ गरबा नृत्य करूंगी, आई विल डांस गरबा विथ माई मॉम, और मैं अपने दोस्तों के साथ डांडिया डांस करूंगी, एंड आई विल डांस डांडिया विथ माई फ्रेंड्स। कल मैं प्रवेश के लिए पास लूंगी, जैसे एंट्री पास होती है डांस करने के लिए, वही है इसमें लिखा हुआ है। टुमारो मतलब कल, आई विल टेक पास एंट्री, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई विल टेक एंट्री पास टुमारो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।